ठीक है प्रियंका, मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूँ, मेरी इस वक्त सोचने और समझने की शक्ति मर चुकी है। कोई अपना जो उसका होने वाला पति हो, वो उस कमरे में बैठा हो, ऐसा अगर हुआ है, वो आज तक खामोश हो, आपके दिल से क्या निकलेगा? देखिए दीपक जी, बहुत ही दुखद और सही कह रही थी अभी मेरी को पैनलिस्ट कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह की बात। और आज ये बात समझ में आ रही है कि क्या बीत रही होगी दिशा के दिल में, और इसीलिए उसने सुसाइड कमिट या जो भी उसका मर्डर हुआ है वो हुआ होगा, क्योंकि इस तरह की हरकतें कोई भी लड़की, कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपनों के सामने उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो जाए और सब लोग चुप बैठे रहे। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो महिला हूँ और समझ सकती हूँ कि एक महिला के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन लगातार बार बार मैं धन्यवाद दे रही हूँ न्यूज़ नेशन का, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की है, आज अगर मीडिया ना होती, न्यूज़ नेशन ना होता, तो ये चीज़ें उजागर ही ना होती। और एक लड़की की जो हत्या हुई है, जो भी उसके साथ हुआ है, वो आज दबकर फाइलों में दबकर रह जाता। बार बार बोला जा रहा है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, कहाँ की ये इन्वेस्टिगेशन है, ये मीडिया सामने ला रही है हम लोगों के, ये मीडिया बता रही है लोगों को कि हाँ एक लड़की के साथ इतनी बर्बरता हुई। कहाँ थी मुंबई पुलिस, कहाँ थी महाराष्ट्र सरकार? उल्टा धमकी दे रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने लोग गायब हैं, किससे पूछताछ हुई, क्यों नहीं बोला देखा गया कि आखिर एक लड़की पार्टी में हंसती खेलती सुसाइड कर लेती है या गिर जाती है, क्यों, किस वजह से हुई? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, फाइल को दबा दिया गया। उसके बाद वो तो सुशांत का भी जब हादसा हुआ, या जो भी आप कह लीजिए, अभी कुछ सीबीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन अगर उसकी भी मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ, उसकी जांच हुई, तब सीबीआई की डिमांड हुई, तब जाकर के एक लड़की की ये जो व्यथा हमारे सामने आ रही है वो दिख रही, तो कहाँ है पुलिस, कहाँ है? ये तो मीडिया का धन्यवाद है कि आज आम लोगों की, जनता की आवाज़ सुनी।